इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यदि बहुत सारे चार्जेस अपने पास हैं तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा? तो हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि एन पॉइंट्स हैं अपने पास स्पेस में और उनमें डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं और उन स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हम कुछ एक स्पेशल अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले सकते हैं, वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें वेक्टर्स बनाएंगे जो अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे और जो पॉइंट चार्ज है उनको मिलाने वाली लाइन को मिलाने वाला वेक्टर, मतलब जहाँ चार्ज है वहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक आए वो वेक्टर, उसके बाद में उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट चार्ज के कारण कैलकुलेट करेंगे और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में जो सारे चार्जेस हैं, इस तरह सारे चार्जेस के लिए एक लूप में कर लेंगे और सारे चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको एक साथ करके ऐड करके और प्रिंट कर देंगे हर डायरेक्शन में। अब इसके लिए प्रोग्राम क्या होगा? तो इसके लिए ये प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड math.h, ये दोनों लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। बाद में एक कॉन्स्टेंट लिया कुलाम के, जिसकी वैल्यू है, ये जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का कॉन्स्टेंट होता है वो है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो के इक्वल टू 1.45 एप्सिलॉन होता है, वो कॉन्स्टेंट है। एंड देन एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो मेन फंक्शन के अंदर आई और n1 को डिक्लेयर किया है। देन एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कह रहा है प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब एक प्रॉम्प्ट दे रहा है, देन n1 को रीड कर रहेगा। उसके बाद में कुछ डिक्लेरेशन है कुछ एरेज का, जिनको मैं चार्ज एंड पोजिशन कह रहा हूँ। उसके बाद में एक फोर लूप लगाया है, उसमें डिफरेंट चार्जेस को डिफरेंट चार्जेस एंड चार्ज के अमाउंट को रीड कर लिया है। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको डिक्लेयर किया है, उसके बाद में फोर लूप में उनको रीड कर लिया, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको डिक्लेयर किया, उसके लिए px, py, pz वेरिएबल काम में लिया, देन उनको भी रीड कर लिया। उसके बाद में जो किया है वो है कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ex, ey, ez, ये डमी वेरिएबल के डिक्लेयर किए हैं, उनकी वो वैल्यू असाइन जीरो की है। देन chem नाम का एक डमी वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके बाद में एक लूप लगाया फोर लूप में, ये जो डिस्टेंसेज हैं dx, dy, dz, ये उन पॉइंट उन डिस्टेंसेज के रूप में कैलकुलेट किए गए जो पॉइंट चार्ज जो भी अपना ऑब्जर्वेशन चार्ज है उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके और जो चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस के रूप में हर डायरेक्शन में अलग अलग किए, जिससे हम वेक्टर बना सकें। और डायरेक्ट डिस्टेंस है वो dm के रूप में कैलकुलेट किया। बाद में जो इंटरमीडिएट वेरिएबल डमी वेरिएबल chm था उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया, जो कि के क्यू आई अपॉन डी एम आर स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। देन इसको पोजिशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे एक्स डायरेक्शन में dx बाई डी एम है, वाई डायरेक्शन में dy बाई डी एम है, dz डायरेक्शन में dz बाई डी एम है। देन इसको कैलकुलेट किया एक्स बाई वाई ई जेड को और उसको बाद में प्रिंट कर दिया, ये उनको प्रिंट कर दिया, ठीक है। एंड देन प्रोग्राम का एंड हो गया। चलो ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये आ गया प्रोग्राम, अब ये वही प्रोग्राम है, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं जिससे साफ दिख जाए। तो ये वही प्रोग्राम है और इसमें इंक्लूड किया सेम वही प्रोग्राम पूरा, और नीचे देखें हाँ ठीक है वही प्रोग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही प्रोग्राम है। देन इसको हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के लिए एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पर सीधा साइन भी होगा इसका, ये किसका, ये कंपाइल एंड रन का है, ये रन का है, ये कंपाइल का है। तो F9 की भी दबा सकते हैं, यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये कंपाइल हो जाएगा। हम जूम इन करके कंपाइल कर लेते हैं पहले, तो जूम इन करके कंपाइल किया तो यहाँ ये दिखा रहा है जीरो एरर जीरो वार्निंग। हम जूम करके देखते हैं, तो जूम करके देखेंगे तो ये ठीक से दिखा देगा, हाँ ये साफ दिखा रहा है।
एंड देन हम इसको रन करते हैं, तो जो ही हम रन करते हैं तो एक नई विंडो खुलेगी और उस विंडो में ये कह रहा है नंबर ऑफ़ चार्जेस, तो हम नंबर ऑफ़ चार्जेस 2 दे देते हैं, उनकी पोजीशन एंड अमाउंट देते हैं, तो -1001 बाद में 1001 अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो दे देते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट देते हैं 200, और यहाँ एक्स डायरेक्शन में चार्ज की कुछ वैल्यू आ गई है। हम फिर से रन करके कुछ चेक करके देखते हैं कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, तो हम इस बार 3 चार्जेस दे देते हैं, उनकी वैल्यू पोजीशन दे देते हैं 001 और यहाँ पर चार्ज दे देते हैं E-10, तो ये इसने कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये ई को डायरेक्टली इस तरह से नहीं लेता, और इसने रिजल्ट जो दिया वो गलत दे दिया, ये कुछ है SIND00 सम अनडिक्लेयर टाइप का रिजल्ट दे दिया है। तो अब हम तीसरी बार रन करते हैं, तीसरी बार रन करते हैं तो हमने दिया 1 चार्जेस जैसे 3 दे दिए, और उसके बाद में हम इसे जो इनपुट देते हैं वो दे देते हैं 001 and 1E-10, इस बार ले लिया, देन 000 पे चार्ज देते हैं 0 and 00-1 पे चार्ज देते हैं -1E-10। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम 002 पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ ये देखो ये रिजल्ट आया, ये सिर्फ जेड डायरेक्शन में आया क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन हमने एक डाइपोल की तरह बनाया, 3 चार्ज लेकर भी मिडिल चार्ज को 0 कर दिया तो वो डाइपोल ही बन गया। चलो कुछ और वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं, तो और वैल्यूज़ के लिए चेक करें तो हम इनपुट देते हैं 1 1, यहाँ 3 चार्ज देते हैं, बाद में यहाँ 001 और ये देते हैं 1E-19, देन 010 यहाँ भी 1E-19 दे देते हैं, देन 100 और यहाँ भी 1E-19 दे देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं, यदि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 देखता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट है उसमें 000 मिला है। इसको आउटपुट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये प्रोग्राम है इसमें ये जो प्रिंट दिया है लास्ट में, ये प्रिंट में यहाँ परसेंटेज जी की या एफ की जगह जी कर देते हैं, यहाँ जी कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम को सेव कर दिया, सेव करने के लिए यहाँ सेव का बटन था उस पर क्लिक कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया, देन कंपाइल एंड रन करते हैं फिर से, तो फिर से कंपाइल एंड रन करने के लिए ये कंपाइल किया और देखते हैं कोई एरर आई क्या, नहीं कोई एरर नहीं आई है, कोई वार्निंग नहीं आई है, ठीक है। बाद में रन करते हैं तो रन करने पर यहाँ पर फिर से 3 देते हैं और वही पीछे वाली वैल्यूज़ फिर से मैं पुट कर देता हूँ, तो पीछे वाली वैल्यूज़ में था 001-1E-19, 010-1E-19, 100-1E-19। अब देखता हूँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 2 3, तो इस बार वैल्यूज आई हैं लगभग -10^-11, 10^-10 एंड 10^-10, ये कुछ वैल्यूज आई हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आई हैं। अब ये एग्जैक्ट वैल्यूज से हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, अभी प्रोग्राम ने मेनली यहाँ कुछ उठपटांग नहीं दिया, प्रोग्राम ने कुछ रिजल्ट दिया है, तो अब इसको देखते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है, लेकिन पहले इनको इस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, बाद में कभी देखेंगे।